हाय एवरीवन, आज की टैरो रीडिंग में मैं शेयर करूंगी कि क्या वो आपसे लव करते हैं या नहीं। सो जान लेते हैं, आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें जो आप विश रखते हैं। सो द टू ऑफ वॉन्ड्स, द चैरियट एंड फाइव ऑफ सॉर्ड। आपकी जो पार्टनर हैं या फिर आप जिनके बारे में सोच रहे हैं, ये पर्सन चॉइसेस के बीच में फंसे हुए हैं, स्टक हैं और कहीं ना कहीं कंफ्यूज हैं रिगार्डिंग रिलेशनशिप की लव एंड फीलिंग्स एंड कमिटमेंट के साथ आगे बढ़ें या किसी और को चुनें। यहाँ पे चैरियट बहुत कंफ्यूजन बता रहा है चॉइसेस में, आप या फैमिली, आप या करियर, या आप या कोई और पर्सन। तो इनके थॉट्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग दिख रहे हैं। यहाँ पे लव एनर्जी से ज़्यादा ऑप्शन के बीच में कंफ्यूजन बनता नजर आ रहा है। टू ऑफ वॉन्ट्स अगेन द डिसीजन मेकिंग एंड चॉइसेस। यहाँ पे भी ये डिसीजन लेने के लिए काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज होते दिख रहे हैं, जहाँ पर ये प्लान नहीं कर पा रहे हैं कि ये किसके साथ आगे फॉरवर्ड हों। सो एंड द फाइव ऑफ सॉर्ड, दिस इज कमिंग अ डिसीव एंड चीटिंग एनर्जी। तो ओवरऑल इस कनेक्शन के बारे में अगर मैं बात करूं, तो ये पर्सन बहुत कंफ्यूज और अनक्लियर हैं टुवर्ड्स फीलिंग्स, टुवर्ड्स फ्यूचर एंड टुवर्ड्स लाइक ऑनेस्टी। तो यहाँ आपको इस रिलेशनशिप को और टाइम देना चाहिए सो दैट यू विल गेट द मोर क्लैरिटी। सो ये पर्सन आपको लव तो करते हैं लेकिन डिसीजन मेकिंग में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हैं। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, सी यू अगेन, बाय।